बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारी कंपनी क्रीम इंडस्ट्रीज़ है, हम लाहौर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाहौर में हमारा ऑफिस है। तो ये हम प्रोडक्ट जो सर्जिकल ड्रेसिंग हवाले से प्रोडक्ट मार्केट में करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बेस्ट क्वालिटी है। और दूसरा ये है जी कि कराची में हम लोग ये 3-4 साल से हम लोग कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। जो हॉस्पिटल में आप आगा खान का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारा क्वालिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड है, वहाँ से हम फुली आगा खान का कर रहे हैं जा रहे हैं। तो बाकी हम लोगों का सब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी हम लोग डाउट करें। ये हमारी प्रोडक्ट हवाले से ये हमारी कॉटन गाफ स्वैब्स है, ये BPC क्वालिटी के मुताबिक हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे पास गॉस स्वैब्स हैं 10 सेंटीमीटर वाला, ये USP में हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे पास मेडी प्लस के नाम पे प्लास्टर ऑफ पैरिस, इसको POP बोलते हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये क्रेप बैंडेज हैं मेडी क्रेप के नाम पे, और हमारे प्रोडक्ट में ये पैराफिन गॉज है, ये सब ड्रेसिंग में काम आती है। ये हमारे पास गॉस स्वैब्स हैं सॉफ्ट गॉस सिंगल पीस पैक में, ये फर्टिलाइज अवेलेबल होता है। उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, ये हमारे पास मी सॉफ्ट गॉज है, मी सॉफ्ट गॉज के नाम पे ये USP है 10x10, और ये फर्टिलाइज होती है, ये भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये मेडी सुफ्रटुल के नाम पे क्लोरोस्टीन नहीं है, ये फ्रेमस्टीन है, क्लोरोस्टीन भी हमारे पास है। ये हमारे पास क्लोरोस्टीन का फार्मूला है, और ये एंटीबायोटिक होता है जो कि पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। इसके बाद डॉक्टर को एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ट्रीटमेंट करता है ये कॉटन रोल है, और बेस्ट क्वालिटी पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी अवेलेबल है। जैसे ही पाकिस्तान में जो कॉटन अवेलेबल होती है वो दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल है, और हम इस क्वालिटी को कम्पीट करते हैं एज़ पर ड्रेप्स की स्पेसिफिकेशन, BPC, BP, USP तमाम जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक हम इसको पूरा करते। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगा करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। ये तमाम प्रोडक्ट हम यहाँ से पाकिस्तान में बना रहे हैं, और इसकी 90% जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान में अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह है, को पाकिस्तान कॉटन का हब है। यहाँ पे कॉटन की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, दूसरे मुल्कों के नस्बत वो अवेलेबिलिटी होती है उसको ठीक है मिलते हैं। हम क्वालिटी वाइज जो है ना तमाम कंट्री से बेहतर हम लोग अवेलेबल प्रोवाइड करते हैं। तो सर, ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसके सेक्टर के हवाले से बताइए, हॉस्पिटल में हो रही है, डिपार्टमेंट में हो रही है, कहाँ का इसका हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मेन मेजर आइटम ही हॉस्पिटल्स की है। ये सर्जरीज की आइटम है, एमरजेंसी की आइटम्स है, और ये इसके बगैर सर्जरी का यानी हो नहीं सकती। ये कॉटन बैंडेज गॉज बैंडेज से सर्जरी की मेजर आइटम होती है जो एमरजेंसी के इस्तेमाल हो जाती है। ये हम DGP आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाइज में जाते हैं, यहाँ पे कराची इस्लामाबाद में शफा है, नेशनल है, लाहौर में टीचिंग हॉस्पिटल, जिनाह जनरल, LGH गंगा अस्पताल, नश्तर मुल्तान, BVH भावलपुर, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा पाकिस्तान KPK में हम लोग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हम लोग करते हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट में भी करते हैं, वेज में करते हैं, लंका एंड अदर कंट्रीज जहाँ से हम अवेल हो जाता है, अफगानिस्तान में हमारी अच्छी एक्सपोर्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी। हाँ, हम लोग अफगानिस्तान भी कर रहे हैं, वो भी हमारा माल स्टॉक में जा रहा है, और वन टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन नहीं है। यह हमारे मुल्क के लिए नाम के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर काम करते हैं, अपने नाम के लिए, पेशेंट की बेहतरी के लिए, और हम सबसे बड़ा हमारी कंपनीज का एक है कि हम क्वालिटी जो है उस पर बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने कोशिश करते हैं, जिस पर क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं होता। हमारे पास अवेलेबल तमाम किस्म की लैब्स अवेलेबल हैं, लेबॉरटरीज़ हैं, जहाँ पे हम इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट में हम इशू करते हैं।
साथ साथ अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि कराची में भी आपका एक ऑफिस होना चाहिए, इसके हवाले से इसके अलावा हम लोग इसमें वर्किंग में हैं कि इंशाल्लाह कराची में भी इसका एक फुल बनाने जा रहे हैं ऑफिस, तो इसको बना के कंटिन्यूटली इंशाल्लाह यहाँ पे एक परमानेंट काम करेंगे। कराची में सप्लाई है आपके प्रोडक्ट? हाँ, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सप्लाई है। मैंने बोला कि आगा खान हॉस्पिटल में हमारी सप्लाई जा रही है, लियाकत में जा रही है, इंडस हॉस्पिटल कराची में जा रही है, तो ये यहाँ पे कराची के वाले से और इसके अदर इंस्टीट्यूशन से हॉस्पिटल बहुत काफ़ी ज़्यादा है, जो कि क्वालिटी यूज़ करने वाले लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा देते हैं, यूज़ करते हैं, प्रायरिटी देते हैं कि ये चीज़ बेहतर से बेहतर है। जो आपके प्रोडक्ट है और जो दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, इसमें कुछ ड्रेप की रजिस्ट्रेशन भी होती है, तो आपके सेक्टर में कुछ ड्रेप की रजिस्ट्रेशन है? जी बिल्कुल, ऐसा हमारी तमाम प्रोडक्ट हम एज़ पर रजिस्ट्रेशन ड्रेप रजिस्ट्रेशन के मुताबिक बनाते हैं, और ये बगैर रजिस्टर्ड के नहीं बन सकती। अगर वो बगैर रजिस्ट्रेशन के बनाता है, मार्केट में सेल करता है, तो वो रॉन्ग है। वो पेशेंट के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि वो जो बनाएगा तो उसके पैरामीटर पूरे नहीं होंगे, तो जब पैरामीटर पूरे नहीं होंगे तो वो जब पेशेंट तक चीज़ यूज़ होगी तो वो पेशेंट को उसका नुकसान होगा। तो ये मेरी भी ड्रैप से दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन के, बग़ैर ड्रैप के लाइसेंस के जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए, ताकि अच्छी क्वालिटी, अच्छी लोग, रजिस्ट्रेटेड वाले लोग, लाइसेंस होल्डर, ड्रैप से रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ड्रैप में बिल्कुल शुभ भी नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ड्रैप में। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो माशाल्लाह सीओ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, आसिम साहब, वो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। कोई आदमी ड्रैप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसको फ़ौरन फीडबैक मिलता है, कोई मसला मसायल है, डिवाइसेस वाले भी, मेडिकल डिवाइस वाले में, फार्मा वाले भी, अब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। सर ये बहुत से कुछ लगे ऐसे हो भी जाती हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग हमारी तरफ से हो जाती हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि जितना कह रहे हैं, काफ़ी बेहतर टाइम अवेलेबल है अब तो पहले की नस्बत। अब बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, अब पहले की नस्बत अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चीज़ आ चुकी है कि जब से माशाल्लाह बिन खासतौर में लोगों का आसिम साहब ने इसको टेकअप किया है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। ड्रैप ऑफिस वाले, इस्लामाबाद वाले, लाहौर, कराची, कोयटा वाले जितने लोग हैं ना, ये बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये इसको जल्दी में फीडबैक मिलता है, और अगर कहीं शॉर्ट कमिंग है तो वो कुछ हमारी तरफ से थे या कुछ ऐसे, तो उसको थोड़ा सा बैकअप करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट की तरफ होगा। सर इसमें जो आपकी जो प्रोडक्ट है इसमें दूसरे लोग इसको काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में? हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज का तकरीबन इसके आप कह लें हमारे से तकरीबन जो इस प्रोडक्ट को करने वाले तकरीबन कोई 30 से 35 लोग हैं जो पाकिस्तान में इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, कंपटीशन तो है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें तो मैं नहीं समझता कि कंपटीशन होगा। आप क्वालिटी पे काम करते जाएंगे, आपकी क्वालिटी बोलेगी तो आप कंपटीशन, जब आप क्वालिटी नहीं बनाएंगे फिर कंपटीशन आपका लो लेवल लोगों पे आएगा। आप मेयार बोलें, अच्छा इस्तेमाल करने वाले, अच्छा डॉक्टर इस्तेमाल करने वाले जो चीज़ हॉस्पिटल वो क्लिक करेंगे, भाई हमें ये चीज़ चाहिए। दूसरे लोग जो बनाते हैं, कोई भी आदमी अगर बनाएगा, अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो वो आदमी डिस्करेज हो जाएगा, ये असूल है। जी हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी हद तक जा चुके हैं, अब मज़ीद हम इसको मुख्तलिफ कंट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए इन प्रोसेस चीज़ है चल रही है, जैसे इंशाल्लाह वो कुछ बार कंट्री में जाने के लिए हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है दूसरे कंट्री में, तो उसके लिए 2 माह का 3 माह का 6 माह का वो एक प्रोसेस होता है, तो वो बहुत से कंट्रीज में हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इंशाल्लाह जैसे होगा, जहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है उसको हम लेके मार्केट में चला रहे हैं और उसमें एक्सपोर्ट वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। सर इसमें जैसे आपने हेल्थ एशिया में लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया है, तो इसके रेस्पॉन्स के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपके बायर आए, कुछ सीधे बायर आए, आपको कुछ कॉन्टेक्ट हुए, बिजनेस आपका प्रमोट हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैंने पहले अगर किया क्या कि यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स करने में, आज जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिला ना कराची से, बहुत अच्छा मिला। तो मैं कराची बहुत देर बाद आया था, मैं पंजाब में करता था, अब यहाँ पे आने के बाद कराची, हैदराबाद, सखर, वो यहाँ पे जो लोग मेजर हॉस्पिटल्स, नेशनल हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, हाँ जितने इंटीरियर के हॉस्पिटल हैं ना, काफ़ी हद तक हम लोग इन हो चुके हैं। सारा तो आदमी नहीं होता, सारा आदमी कवर होता, लेकिन हाँ पिशावर में अभी अफगानिस्तान से मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ प्रोडक्ट करते हैं, वो भी पहुँचने वाले हैं,
पिशावर वाले लोग भी आए, इस्लामाबाद से भी शफा वाले मेरे पास सभी मीटिंग करके गए हैं। तो इस्लामाबाद से वो लोग आए हुए थे, पंजाब से बहुत से लोग आए हुए हैं जहाँ पे, वहाँ भी यहाँ पे आकर हमारे साथ मीटिंग की है, वहाँ भी लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट वाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि किसी चीज़ की पेशेंट के लिए अव्वल सबसे पहले पेशेंट है भाई, अगर पेशेंट के फ़ायदे के लिए काम करना है तो ये फ़ायदा आपको अल्लाह इसका अजर देता है। अगर आप पेशेंट के फ़ायदे के लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो ये गलत है। प्रॉफिट पहले, प्रॉफिट भी है और पेशेंट के फ़ायदे के लिए भी चीज़ है, वो चीज़ बनाएं, पेशेंट को फ़ायदे को पहले तरजीह दी जानी चाहिए मेरे लिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं कि आपका पैसा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये एक लादा बात, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, मैं दोस्तों यही कहूँगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो आपका सेक्टर है, आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को मसाइल हैं, जैसे बिजली का टैरिफ है, दूसरे टैक्सेज हैं, उसकी वजह से आपकी पैदावारी लागत बढ़ जाती है। जब पैदावारी लागत बढ़ती है तो मार्केट में कंपटीशन हो जाती है, उस हवाले से कोई मसाइल हाईलाइट करना चाहिए? सर, इसके तरफ बहुत ज़्यादा मसाइल है, जैसे लोग बैठे हैं सारा दिन, इंडस्ट्री कैसे चलाएँ, पावर जनरेशन पर जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर सोलर का सिस्टम लगाएं, तो इस तरह कैसे आपके लाहौर में कोई प्रॉब्लम है? सर, ये प्रॉब्लम हर जगह पे है, लाहौर में भी है, पिशावर, ऑल ओवर पाकिस्तान है। ज़ाहिर है, एक तो फेडरल ने सब कुछ को मैनेज करना होता है, तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बिजली के मामलात में, गैस के मामलात में, दूसरे मामलात में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको तरजीह देनी चाहिए, उनकी फेवर होनी चाहिए, दूसरे कंट्री इंडिया ले लें एंड अदर कंट्री ले लें, वो अपने तजारत के बेहतरी के लिए बिजनेसमैन को जितना बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको फेवर देते हैं। ये चीज़ें बहुत काम है यहाँ पर, इसको फेवर दी जानी चाहिए ताकि हम लोग बिजनेस में जितना बेहतर से बेहतर इसको कर सकें, हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा, अभी आपने अफगानिस्तान का बताया कि आप अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ जो है इलीगल तरीके से भी अफगानिस्तान माल जा रहा है, तो अगर इसको लीगलाइज कर तरीके से करें और लीगलाइज तरीके से करें, तो आप समझते हैं अफगान मार्केट आपके लिए काफ़ी? सर, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अफगानिस्तान ये लीगल तरीके से जाएगा तो उसमें एक तो रजिस्टर चीज जाएगी, अब लीगल तरीके जाने वाले का जो आदमी होता है उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होते ना, उसके पास उसको ये ड्रैप की चीज़ें हो जाती हैं, जो लीगल तरीके से लोग ले जाते हैं बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनका लाइसेंस होता है, उनके डॉक्यूमेंट ऐड होते हैं उसमें, FID फेडरल वाले इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ पूरी और एफर प्रस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स, लैब की रिपोर्ट साथ अटैच होती हैं, अफगानिस्तान ऐसे स्टॉक नहीं लेता। अच्छा। और जो इन लोगों लोग लेके जाते हैं फिर उनके 100 रास्ते हैं, कई रास्तों के जिससे लेके जाते हैं, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करते हैं, हमारे से काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे इस तरह प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटली तौर पे ये जाते हैं। तो आप दूसरी कंट्रीज में भी करें, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उधर भी काफ़ी? हाँ, उधर भी हम लोग कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में इन्वायरमेंट भी है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ भी डिमांड है, लेकिन वहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं है, वहाँ पर बाहर आता है उनको, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत और डिमांड होती है उसके मुताबिक उसको वो चीज़ मिल जाती है, आगे वो सप्लाई करता है। अब वो आगे सप्लाई उनका ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर एजेंट होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, तो रजिस्ट्रेशन वो करवा लेते हैं कंपनीज की, फिर जो चीज़ उनको रिक्वायर होती है वो हमसे ले जाती है। सब कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? सर, बस हाईलाइट यही है कि तमाम दोस्तों पास मैन्युफैक्चरर्स के, ट्रेडर्स के ये है कि मैं यही कहूँगा कि भाई क्वालिटी जो है ना उसको तरजीह देना चाहिए, प्रॉफिट को तरजीह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट का मामला है और ये पेशेंट मैं भी हो सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए भी हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे पे, मेरे माँ बाप पे भी, मेरे बहन भाई इस्तेमाल सकते हैं, और ऐसी क्वालिटी में अगर मैं अपने पे गलत चीज़ इस्तेमाल कर सकूँ तो करूँ, अपने पे मैं अच्छी इस्तेमाल करूँ दूसरे पे गलत करूँ तो ये गलत है। अल्लाह को साफ देना है और मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हम क्वालिटी करें। मेरी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी, आप क्रीम का स्टॉक इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह कहीं कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया।